हेलो स्टूडेंट, रामकृष्ण स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, बीजगणित सरलीकरण। इसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम समझाएंगे आपको कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उस क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो देखो यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। तो देखिए ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, ये लगाया है हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के यदि होल स्क्वायर किया जाए तो ये आता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए की जगह हो जाएगा आपका एक्स और बी की जगह हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए की जगह क्या हो जाएगा एक्स, तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन वन का तो वन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू की जगह टू, ए की जगह एक्स और बी की जगह वन अपॉन एक्स, ये सही कट जाएगा। तो देखो जरा ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस की वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बचा टू। यहां पर देखें एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का टू। यहाँ होल स्क्वायर लगाए, यदि हम इसको स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लिखे तो ये स्क्वायर इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का टू। एक कॉन्सेप्ट यानी एक फॉर्मूला या एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, यहां पर ये निकल के आया है। इसका एक एग्जांपल समझे, उदाहरण जैसे यदि कहा जाए यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 34, तो एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा, मान क्या होगा। यदि आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 34, ठीक है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहां पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का टू, यहां क्या लग जाएगा रूट। तो देखो जरा इसका मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 34 और प्लस का 2, तो जो हो जाएगा आपका 36, तो जो हो जाएगा इसका 36 रूट 36 का मान आ जाएगा 6। अगला देखिए जरा, अगला कॉन्सेप्ट देखो, यदि इसी को यहां पर क्या करें हम x प्लस की वन अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का टू। यदि हम इस टू को इधर लाए तो एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस टू, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए जरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर जो होगा एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का टू। एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है यहाँ पर कि यदि आपको यदि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का मान निकालना हो, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर देखिए, एग्जाम्पल दूसरा, यदि x प्लस के वन अपॉन एक्स बराबर 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स का। देखिए आपको ये वाला मान दे रखा है, यदि एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स बराबर दे रखा है 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का टू। अब इससे किया है, निकाला है कॉन्सेप्ट, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का टू, और इसका मान आपको दे रखा कितना दे रखा है, दस का स्क्वायर माइनस का टू, तो ये जाएगा सौ माइनस का दो, कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। अभी हमने लिया था x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम करेंगे x माइनस के वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ए हो जाए ए स्क्वायर यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, ए से ये कट जाएगा, एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहां निकल के आता है एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का टू। अब देखिए जरा x यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर हटाएंगे x माइनस के वन अपॉन एक्स वर्ग, यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो जो है एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का टू। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ गया डायरेक्ट, आपका फॉर्मूला समझिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम्पल समझिए, जैसे यदि एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आपका दे रखा है 27, तो x माइनस के वन अपॉन x का मान क्या होगा, समझिए यहां पर तो x माइनस के वन अपॉन x के जगह हम क्या लिख सकते हैं रूट x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का टू। अब देखिए जरा ये हमारा मान दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है 27 माइनस का 2 तो जगह 25 और 25 की जगह क्या आ जाएगा 5 यानी x माइनस के वन अपॉन x का मान आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकालेंगे यहाँ पर। अब देखिए जरा x माइनस के वन अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर क्या निकला था एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब ये देखिए इस माइनस टू को इधर लेकर के आइए एक्स एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का टू एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का टू। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आ गया। अब देखिए यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है तो एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स निकालना है, और यदि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। एग्जाम्पल समझते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के, एग्जाम्पल यहां पर समझते हैं दूसरा वाला कि यदि एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स बराबर 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो देखो जरा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस टू। अब इसका मान क्या दे रखा है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का टू, तो जो हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का टू, इसका मान हमें दे रखा कितना 4 का स्क्वायर और प्लस के 2 तो जो हो जाएगा 16 प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा ये 18। अब देखिए हमने क्या किया था कि हमने पहले x प्लस वन अपॉन एक्स दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, दोनों के हमने कॉन्सेप्ट समझाया, उसके हमने दोनों के उदाहरण बताए। अब पहले एक माइनस वाले में दो टाइप से कॉन्सेप्ट बन सकते थे, एक तो ये वाला और एक ए वाला, इसका हमने उदाहरण बता दिया है। यदि आपका ये वाला मान दे रखा हो, ठीक है, यदि आपका ये वाला मान दे रखा है ये वाला निकालना है तो आपको देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का टू, तो यहां से ए सॉल्व कर लिए। अब यदि आपका ये वाला मान दे रखा है तो ये वाला मान निकालना है। ठीक है, अब चलते अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए अगला कॉन्सेप्ट समझिए, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स का यहां पर अगर ऐसा किया जाए एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का मान क्या हो जाएगा, तो जो हो जाएगा एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स का होल क्यू माइनस का थ्री एक्स प्लस के वन अपॉन
एक्स। एक कॉन्सेप्ट आपका ये निकल के आता है यहां पर, एक कॉन्सेप्ट ये बनता है, एक माइनस होता है यहां पर, जैसे एक्स क्यूब माइनस के बना अपॉन एक्स क्यूब। तो इसमें समझिए जैसे एक्स क्यूब प्लस के बना अपॉन एक्स क्यूब बराबर एक्स प्लस बना अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पावर थ्री है तो यहां पावर थ्री हो जाएगा। अब देखिए यहां प्लस था तो यहां हो जाएगा माइनस, और ये दोनों सेम रहेगा। अब माइनस वाले में क्या होता है, यहां हो जाएगा प्लस। देखिए क्या एक्स क्यूब माइनस बना अपॉन एक्स क्यूब का, देखो तो एक्स माइनस के बना अपॉन एक्स का, एक्स माइनस के बना अपॉन एक्स का हो जाएगा होल क्यूब। यहां देखिए प्लस वाले में यहां माइनस है, और यहां अगर माइनस है तो हो जाएगा यहां पर प्लस, और एक्स माइनस के बना अपॉन एक्स। ये दो टाइप के और यहां पर कॉन्सेप्ट यानी फॉर्मूला आपको निकल के आते हैं। तो इनसे देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहां से एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर आ जाएगा माइनस, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये दोनों मान प्लस प्लस के रहते हैं। माइनस वाले में देखिए क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, तो यहां माइनस और यहां माइनस दोनों, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दोनों जगह सेम रहेगा, लेकिन यहाँ घात तीन हो जाएगा। यहां पर प्लस माइनस था, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में क्या होता है प्लस होता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, पहले इसका एग्जाम्पल समझिए। यदि x प्लस के बना अपॉन x बराबर के 5, तो x क्यूब प्लस बना अपॉन x क्यूब का मान क्या होगा, देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। x क्यूब प्लस बना अपॉन x क्यूब बराबर लिख सकते हैं x प्लस के बना अपॉन x का होल क्यूब, अगर प्लस है तो यहां आएगा माइनस थ्री, और ब्रैकेट में आएगा x प्लस के बना अपॉन x। तो इसका मान हमें दे रखा है कितना दे रखा है, 5 का क्यूब 3 इंटू x का मान दे रखा है 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस का 15, 125 15 जाएगा तो दिया आएगा 110। अब इस वाले का एग्जांपल समझिए, इस वाले का उदाहरण यहां पर समझा रहे हैं, ठीक है। इसका उदाहरण समझिए, क्वेश्चन दूसरा है, यदि x माइनस क्यूब बना अपॉन x बराबर के 7 4, तो x क्यूब माइनस क्यूब बना अपॉन x क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x माइनस बना अपॉन x बराबर 4 दे रखा है, x माइनस बना अपॉन x बराबर 4 दे रखा है, तो x क्यूब माइनस बना अपॉन x क्यूब का मान क्या होगा। तो x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर लिख सकते हैं एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, यहां अगर माइनस है तो हम लिखते हैं यहां पर प्लस थ्री, और एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स। तो देखिए इसका मान हमें दे रखा है कितना दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस का 3, और यहां पर इसका मान दे रखा है 4, तो हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64, और प्लस 12, तो ये हो जाएगा 76, ठीक है। अब देखिए जरा, अभी हमने x प्लस वन अपॉन एक्स वाले किए, x माइनस वन अपॉन एक्स, और x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब, छह टाइप के क्वेश्चन कराए, छह कॉन्सेप्ट कराए, छह टाइप के क्वेश्चन कराए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये छह टाइप के जितने कॉन्सेप्ट कराए इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए, और अगला पार्ट आप जरूर देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।